हाय फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल बटन पर क्लिक करके सबसे पहला वीडियो का नोटिफिकेशन पाए। हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे आईपी स्विच का यूज़ करना है। तो आईपी स्विच क्या है वो हम समझेंगे, क्योंकि वो आईपी स्विच एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आप आईपी कई सारे लैंड कार्ड में स्विच कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है और आपको दिखा दूँ, कहीं देख सकते हैं आप। आईपी स्विच गूगल में सर्च करके आपको लिंक मिल जाएगी और वो फ्रीवेयर है, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। और दूसरी बात बता दूं कि इसमें करना क्या है, जस्ट सॉफ्टवेयर डाउन आपको डाउनलोड करना है, उसको रन करने ला है। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, जस्ट इंस्टॉलेशन है, इजी इंस्टॉलेशन है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद उसको लॉन्च कर दीजिए फिनिश करके। जैसे आप उसको लॉन्च करेंगे आपको ये दिखेगा, यहाँ पर स्किप कर दीजिए। अगर आपने लाइसेंस परचेज करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कई सारे सेट बने हुए हैं, हम यहाँ पर रीनेम कर देते हैं इस सेट का नाम। फर्स्ट को मैं लगा देता हूँ लैन, यानी कि जो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क होगा, या यानी कि मेरा ईथरनेट कार्ड होगा, NIC का मतलब है वो है। और जो दूसरा होता है मेरा वाईफाई, यानी कि वायरलेस, यहाँ पर मैं वाईफाई रख देता हूँ। अगर आप वर्चुअल यूज़ कर रहे हैं तो वर्चुअल नेटवर्क में भी ये आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं नेटवर्क का सेटिंग खोल लेता हूँ, NCP.CPL करके डायरेक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क है, मैंने वर्चुअल भी डाला हुआ है यहाँ पर मैं, तो आप यहाँ पर वायरलेस देख सकते हैं। तो क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे कि एक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं IP डाल लेता हूँ। पहले देख लेते हैं कि कौन सा IP मैंने मेरे लैंड कार्ड में डाला हुआ है। यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दूँ क्योंकि मेरा ये जो लैंड कार्ड है अभी कोई नेटवर्क का केबल उसमें डाला हुआ नहीं है, यानी कि एक्टिव नहीं है, इसलिए ये IP नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, वैसे आप कर सकते हैं, आपको स्विच करना हो तो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है 192.168.1.25 2.24.0। अगर आप यही लैंड कार्ड में अगर अलग अलग IP या क्लास 1, क्लास 1, क्लास 2 करना चाहते हो तो भी आप सेट कर सकते हो नए सेट बनाकर। गेटवे डाला है, डीएनएस भी डाल सकते हो। अगर आपने प्रॉक्सी सर्वर डाला हो तो प्रॉक्सी सर्वर का भी यूज़ कर सकते हो, आईडी पासवर्ड भी उसमें डाल सकते हो अगर प्रॉक्सी डाला हो तो। यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है, एक्टिव करते हैं, देखते हैं एक्टिव करके। ओके, यहाँ पर एक एरर आ रही है, यानी कि उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने IP टिक मार्क नहीं हुआ है, तो यहाँ पर IP टिक मार्क कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे। ओके, ये क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गई, मेरा अभी एक्टिव लैंड कार्ड यानी कि एक्टिव नहीं, उसका मतलब क्या होता है कि उसमें केबल नहीं डाला हुआ है, उस वजह से यहाँ पर एक एरर शो हो रही है। ओके, अब देखेंगे, देख सकते हैं हम कोई चेंजेस नहीं उसमें। अब वाईफाई का देख लेते हैं, वायरलेस नेटवर्क में यहाँ पर मेरे ऑप्शन रखना है, यानी कि DSCP डाला हुआ है उसमें मेरे, कि मैं वायरलेस यहाँ पर DSCP। अगर मुझे मैनुअली IP एड्रेस उसमें डालना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो भी वो कार्ड था वायरलेस का वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेटवर्क एडाप्टर, उसके बाद IP उसमें डाल देता हूँ। मैं अपने क्लासिक LB डाल रहा हूँ, ये मेरा राउटर है, उसमें मैंने क्लासिक IP उसमें रखा है, उसकी वजह से उसकी रेंज। गेटवे डाल देता हूँ, यहाँ पर मेरे राउटर का मैं गेटवे डालता हूँ, क्योंकि राउटर का IP मेरा 1.1। यहाँ पर IP टिक मार्क कर दिया, यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने ओपन रखा हुआ, यानी कि कोई IP एड्रेस मैंने डाला हुआ नहीं, DSCP सिलेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक्टिवेट, जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा तो ये एक्टिवेट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि IP उसमें डाल दिया मैंने, देख सकते आप। ओके, हो गया। अब मैं इसको DSCP सिलेक्शन कर देता हूँ, डी ऑप्टन ऑप्टन एक्टिवेट फिनिश।
अब देख लेते हैं, अगर आपको क्लास ए का भी आईपी एड्रेस करना हो, क्लास बी का आईपी एड्रेस करना हो, क्लास डी का भी करना हो, सभी कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो इजीली सेट बना के नए नए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।